Once again, welcome to all my official YouTube channel, Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. This video for Standard 1 subject Mathematics, Chapter number 12, Day 7. मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और बहुत ही अच्छा भी लग रहा होगा आपको. तो चैप्टर आज 13 पढ़ लें. क्या पढ़ लेंगे आज? 13 मनी से रिलेटेड पढ़ रहे थे ना, क्या चीज़ से? तो चैप्टर 13 पढ़ेंगे. चैप्टर 12 बोला गया था हमको, लेकिन चैप्टर 13 पढ़ना है क्या कि देखिए, यही आप लोगों को हम देखना चाहते रहते कि आप लोगों को मेमोराइज सीखनी. तो चलिए, आप लोग समझ रहे कि चैप्टर 13 में आज हम लोग क्या पढ़ने रहे थे बताए? तो पढ़ रहे थे क्या, मनी से रिलेटेड. तो 1 क्लास ही हुआ है आज, सेकेंड क्लास है मनी का. कौन सी क्लास है बोली? सेकेंड क्लास है. तो चलिए हम लोग मनी में पढ़ते हैं. तो कल हम कुछ आपको पैसा पहचानना बताए थे, तो चलिए आज हम आगे आप लोगों को बताएंगे क्वाइन समझना. तो क्वाइन को कैसे पहचानिएगा, मतलब कि आपको क्वाइन दे देंगे और बताना होगा कि आपको 2 रुपीज़ का क्वाइन है, 5 रुपीज़ का क्वाइन है, 10 रुपीज़ का क्वाइन है, या कितने की क्वाइन है, या 50 पैसे का क्वाइन है. तो देखिए क्वाइन है, इसमें से बताइए और ऐड करना है आपको. देखिए ये 10 का क्वाइन है, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया, 30 हो गया. तो 30 लिखनी यहाँ. देखिए 1 है, 1 तो 1 और 1 कितना होगा, 2 और 1 3. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे. क्या लिखेंगे, 3. यहाँ पर देखिए 2 का है, 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 प्लस 2 कितना, 6 प्लस 2 कितना होगा, 8 होगा. तो 8 लिखना है. 10 प्लस 5 कितना होगा, 15 प्लस 5 20 लिखेंगे. इसी तरीके से इसको क्या करना है, ऐड करने के लिखना है. क्या करना है, ऐड करके लिखना है. देखिए पेज नंबर 148 में आपको मैच करना है. क्या करना है, मैच करना. देखिए 5 प्लस 5 कितना होगा, 10. अब 10 खोजिएगा आप, ये है तो 10 से क्या करिए, इसको मैच करिए. 2 प्लस 2 कितना होगा, 4 अब 5, 5 से मैच करिए, 5 से मैच करना है. 10 प्लस 10 20 से मैच करना है. ठीक है, तो मैच करना तो आप बिल्कुल ही अच्छा से जानते हैं, मैच कर लीजिएगा. और पेज नंबर 148 जैसे भी आपका ये होमवर्क है कंप्लीट कर लीजिएगा. पेज नंबर 146 और 148. ठीक है, तो तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, और आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर